आज हमारे यहाँ पर एलन भुवनेश्वर में दो प्रोग्राम थे। एक हमारा यहाँ का जो बच्चा है उड़ीसा का ओम आदित्य अग्रवाल, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 43 आई थी, तो उसका उसके पेरेंट्स का सम्मान किया हम लोगों ने। और दूसरा AGSD जो हमारा जो केशव सर ने बताया, एलन ग्लोबल स्टेट डिवीज़न, जो कोटा में चल रहा है, कुछ सेंटर्स पे चल रहा है। सो हम आए थे आज अनुराग सर से डिस्कस करने के लिए, इसको हम यहाँ पर भुवनेश्वर में और उड़ीसा के बच्चों के लिए उसको हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमने लॉन्च नहीं करा है, बट अभी हम यहाँ पर टीम बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं सर की गाइडेंस में, और बहुत जल्दी अगले 1-1.5 महीने में उसको हम लॉन्च करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि अभी इस डिवीज़न की एक नींव यहाँ रखने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसी जगह है, जैसे भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो ये एक वो जगह है जहाँ से हमें वो ऐसे बच्चे मिलेंगे जो उड़ीसा का नाम बाहर जाके बहुत ऊंचा करेंगे। आज एलन का नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन एलन भुवनेश्वर के लिए भी ये एक डिवीज़न लैंडमार्क, एक गोल्ड माइन साबित होगा। तो उसी चर्चा में आज हम यहाँ पर आए हैं, और उस चर्चा के साथ साथ ओम अग्रवाल का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ बच्चे जो ना सिर्फ IT और नीट के लिए बट AGSD के लिए भी आगे जाके भुवनेश्वर के सम्मान के पात्र बनेंगे, उनके लिए भी हम यहाँ आते रहेंगे। और बस 2 से 3 महीने का इंतज़ार और है, LN ग्लोबल स्टडीज़ डिवीज़न बहुत जल्दी भुवनेश्वर में भी जाएंगे। हम लोग उड़ीसा के लिए हर एक जो प्रोग्राम कोटा में होता है उसको हम लोग यहाँ लॉन्च करना चाह रहे हैं, और हम लॉन्च कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोटा के लिए सारे बच्चे जाएँ ये संभव नहीं है। हम हर एक चीज़ इसको हम कोटा ऑफ ईस्ट बनाना चाहते हैं। हमारा सिंपल सा मोटो है कोटा ऑफ ईस्ट, जो कोटा वेस्टर्न फ्रंट पर कर रहा है एग्जैक्टली वही हम यहाँ पर ईस्ट पे हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं, और हम इसमें काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। अभी इस सेशन में ही हम 6,000 की स्ट्रेंथ तक पहुँच चुके हैं, और आगे भी हम इसी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। और हम अभी जैसा आपने सर से सुना कि हम ग्लोबल स्टडीज़ डिवीज़न भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, ताकि ग्लोबल लेवल पर भी उड़ीसा के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके।